गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं सुनील। मैं हूं विजेंद्र। और आज हम निकले हुए हैं टेढ़ा मंदिर के लिए। और हम ज्वालाजी से ये 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है और छोटे छोटे रास्तों से पहाड़ी के रास्तों से होते हुए जाता है। तो हम चलते हैं, आज देखते हैं टेढ़ा मंदिर और आपको दिखाते हैं कि ये टेढ़ा कैसे हुआ और क्यों हुआ और इस मंदिर का नाम टेढ़ा मंदिर क्यों पड़ा। चलिए मिलते हैं। ओके, एक बात, ग्रीनरी सारी पूरी है। क्यों? पूरा रास्ता भरा हुआ है। रास्ता हरा हरा है, हरे भरे पेड़ों से। एक चीज़, जब बारिश के मौसम में ना एक फ़ायदा तो हो जाता है, यहाँ पे ना आपको जरा भी धूल नहीं मिलेगी, सारी जगह ग्रीनरी मिलेगी, ग्रीनरी मिलेगी और पेड़ इतने अच्छे लगेंगे ना आप लोग। कहाँ पहुँच गए? बड़ी मुश्किल से हमें एक ट्रक दिखाई दिया है जो सामान लेके जा रहा है कहीं पे। दिखा नहीं सकते कि दूर है वो अभी। तो दोस्तों, अब हम कच्चे रास्ते पे आ गए हैं, जो छोटा सा रास्ता है शॉर्टकट, और थोड़ा सा ये पत्थरों से बना हुआ है और इस पे फिसलन भी बहुत है। हाँ, क्योंकि बारिश का टाइम था तो हमें ध्यान से चलना पड़ रहा है। इस पे एक एक पैर सोच समझ के रखना पड़ेगा, नहीं तो पैर फिसला और हम गए। हम तो कह रहे 32 ही जाएगी भाई। हम तो रुक ही जाए, 32 ही चली जाएगी। अब हमने आधा रास्ता कवर कर लिया करीब करीब और एक पहाड़ी क्रॉस कर चुके हैं। एक पहाड़ी क्रॉस कर चुके हैं, थोड़ा सा डाउन जाना है। अब कितना दूर रह गया अभी? एक किलोमीटर भी नहीं है, उससे भी कम है, 1 किलोमीटर रह गया। आपको यहाँ से व्यू दिखाते हैं। पीछे आप देखोगे तो आपको ज्वालाजी पूरा दिखेगा, पूरा ज्वालाजी का एरिया है। और उससे थोड़ा सा और आगे जाते हैं तो फिर चिंतपूर्णी दिखता है, लेकिन अभी दिखेगा नहीं क्योंकि नीचे बादल हैं, तो बादलों की वजह से कुछ नहीं दिख रहा है, हमें भी नहीं दिख रहा है, तो कैमरे में तो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो चलते हैं, धीरे धीरे नीचे उतरते हैं। अभी हम पहुंचे हैं एक छोटे रास्ते पे और ये मेन रोड से कट जाता है। आगे आपके लिए एक रास्ता भी, अगर आप गाड़ी से आ रहे हो तो आप गाड़ी से सीधे टेढ़ा मंदिर पहुंच सकते हो। अब हम पहुंच चुके हैं बिल्कुल पास टेढ़ा मंदिर के और ये है यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 30 मीटर दूर। ये है श्री रघुनाथ मंदिर, मतलब जो कि टेढ़ा मंदिर है, बाद में पड़ा है नाम, जब वो 1905 के बाद टेढ़ा हुआ। हाँ, और ये है ज्वालामुखी में, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। अब हम टेढ़ा मंदिर के गेट पे खड़े हैं। ये एंट्री दिखा रहा है, यहाँ से डायरेक्शन दे रहा है हमें कि टेढ़ा मंदिर कहाँ है। दोस्तों, टेढ़ा मंदिर ज्वाला जी से बाय रोड 7.5 किलोमीटर है। यहाँ रात को ठहरने के लिए कोई प्रबंध नहीं है, तो इसलिए आप मंदिर के दर्शन दिन में ही कर सकते हैं। यहाँ सिर्फ एक ही दुकान है चाय, नाश्ते व प्रसाद के लिए। ये मंदिर ज्वाला जी पालमपुर रोड पर पड़ता है। जब हमने पंडित जी से बात की तो उन्होंने बताया कि त्रेता युग में भगवान राम, माता सीता व भाई लक्ष्मण के साथ यहाँ आए थे, तो वे कुछ समय के लिए यहाँ रुके थे। माता सीता ने यहाँ प्रवास के दौरान तपस्या भी की थी। इसके बाद जब द्वापर युग में पांडव अपने वनवास पर थे तो उनका भी यहाँ आगमन
निधन हुआ तथा पांडवों ने अपने प्रवास के दौरान इस राम मंदिर का निर्माण करवाया। सन 1905 में हिमाचल में आए भयंकर भूकंप के दौरान मंदिर टेढ़ा हो गया, इसी कारण बाद में इस मंदिर का नाम टेढ़ा मंदिर पड़ गया। तो दोस्तों, आप यह सब सुनकर जान ही गए होंगे कि यह मंदिर दो युगों पुराना है। इस मंदिर ने कई सालों का सफर किया है और अब भी जारी है। ये माता सीता की गुफा है। यहाँ पे आपको था टेढ़ा मंदिर। अब हम चले वापस घर पे। अब धूप भी निकल आई है, सुबह की हो गई मॉर्निंग वॉक और साथ के साथ भगवान राम जी के दर्शन भी हो गए। तो बाकी हिस्ट्री तो पता लग गई, इस मंदिर का नाम टेढ़ा मंदिर क्यों पड़ा। भगवान राम का मंदिर अब टेढ़ा मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हो गया है। चलो चलते हैं घर की तरफ।